दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट आया है। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिसंबर तक शुरू होने की संभावना है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है कि NHAI ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को दिसंबर तक चालू करने का लक्ष्य रखा है। इस एक्सप्रेसवे से हरिद्वार तक का लिंक मई 2025 तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की TOI की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि PM मोदी ने सड़क परिवहन मंत्रालय को एक्सप्रेसवे को बिना किसी देरी के पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा बताया जा रहा है इस एक्सप्रेसवे को लेकर भूमि संबंधी सभी पेंडिंग मामलों का समाधान कर दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में NHAI ने PM मोदी के सामने अगले 4 महीनों में एक्सप्रेसवे का बचा हुआ कार्य पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि एक्सप्रेसवे से हरिद्वार तक रिच कंट्रोल लिंक को बाद में जोड़ा गया है, इसलिए इसे पूरा करने में 5 महीने और लगेंगे। इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली और देहरादून के बीच ट्रेवल टाइम 6 घंटे से घटकर सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएगा। आइए आपको बताते हैं इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी खासियतें और सुविधाएं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 264 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून के बीच ट्रेवल टाइम घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा। वहीं दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और हरिद्वार लिंक को 14,285 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस रोड प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी है यह है कि इस पर एशिया का सबसे लंबा व ऊंचा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 12 किलोमीटर बनेगा